मुझे कहती है कि मुझे रिप्लेस किया तो किसने किया, राखी सावंत ने, जिसका कोई क्लास ही नहीं है। तेरी माँ की आंख, हराम खोर। मुझे कहती है कि मुझे रिप्लेस किया तो किसने किया, राखी सावंत ने, जिसका कोई क्लास ही नहीं है। तेरी माँ की आंख, हराम खोर। तनुश्री दत्ता झूठ बोल रही है क्या? तुझे नाना पाटेकर ने छुआ? अभी तेरे में हीरे लगे हैं क्या? झूठी कहीं की? 10 साल कोमा में थी क्या तू? 10 साल कहाँ थी तू? कहाँ थी? झूठ बोल रही है। कल मैं मीडिया के सामने आके बोलूं कि राहुल गांधी ने मेरा रेप किया है, क्यों हंसे ना? हंसे ना? राखी मैम स्वागत है आपका। क्या कहना चाहेंगी जो अभी चल रहा है तनुश्री दत्ता का मीटू मूवमेंट को लेके, नाना पाटेकर? अरे भाड़ में क्या तुम्हारा मीटू मूवमेंट है ना? मुझे इसमें बिल्कुल दखल अंदाजी नहीं करनी थी। मैं बिल्कुल नहीं चाहती थी कि मीडिया वालों से भी बात करूं। मैं बिल्कुल नहीं चाहती थी कि इसका जवाब दूं। क्यों? क्योंकि जब भी मैं बोली हूं, लोगों को ने, मीडिया ने यही बताया कि मैं कॉन्ट्रोवर्सी करना चाहती हूं। अभी यहां से मेरा कोई लेना देना ही नहीं कॉन्ट्रोवर्सी का। मैं तो मीडिया के सामने आना भी नहीं चाहती। आपने देखा कितने टाइम से मैं मीडिया में नहीं आना चाह रही थी। क्यों? क्योंकि राखी सावंत कुछ भी करती हो तो आप लोग बस यही कहते हो कि मुझे पब्लिसिटी की जरूरत है। अगर मुझे पब्लिसिटी चाहिए तो मैं कहीं से भी कुछ भी कर सकती हूँ, मुझे जरूरत नहीं है। बट क्योंकि मीडिया वालों ने मेरा जीना हराम कर दिया था, रोज फोन कर करके कि जवाब दो जवाब दो, क्योंकि गाना आपने रिप्लेस किया था तनुश्री दत्ता का, जवाब दो। तो इसलिए आज मैं जवाब देने आई हूँ। और पूछे आपका क्या क्वेश्चन है? आपको क्यों रिप्लेस किया गया था और आपको किस वजह से कॉल आया था? नॉर्मली आपको पता चला कि तनुश्री उससे पहले थी गाने में, फिर वहां से चली? तनुश्री उस गाने में थी, गाने का कुछ सॉन्ग था, कुछ नथनी उतारो, नथनी उतारो, तो ऐसा कोई गाना था। पहले तो मैं घर में बैठी थी और रेस्ट कर रही थी शाम के टाइम पे, और सडनली मास्टर जी का कॉल आया मुझे, गणेश आचार्य जी का, कि राखी जल्दी आ, गाना करना है। मैंने कहा मास्टर जी गाना तो भेजो, गाना कैसा है? तो तुझे क्या करना है? मैं गाना कर रहा हूँ, तू आ जा गाना कर। मैंने कहा मास्टर जी अभी आऊँ? बता। हाँ, मैंने कपड़े तो बनाने पड़ेंगे ना? नहीं, कोई जरूरत नहीं कपड़े बनाने की, तू आ जा। मैंने कपड़े के ऐसे कैसे आ जाऊँ? मेरे लिए शौक था। फिर नाना पाटेकर जी ने भी बोला राखी तू ये लौकर आनी, ये गाना कर पटकन। उनका भी फोन आया तो मुझे कुछ समझ में नहीं आया, जब तक मुझे कुछ समझ में नहीं आया कि क्या प्रॉब्लम हुआ, क्या हुआ, क्या नहीं। ये आप बोल रहे हो क्योंकि मास्टर जी के साथ मैंने बहुत सॉन्ग किए और मास्टर जी इतने अच्छे इंसान हैं, मैंने उनके साथ बहुत सॉन्ग किए और उनको मेरे पे पूरा विश्वास था, ना रिहर्सल ना कुछ। मैं बस ऐसे पागलों की तरह चुपचाप सेट पे चली गई। मुझे उन्होंने कुछ नहीं बताया तनुश्री दत्ता का, ये हुआ ये हुआ ये हुआ, कुछ नहीं बताया। बोला तू आ जा और गाना कर। मुझे कुछ पता ही नहीं था कि ऐसा ऐसे प्रॉब्लम हुए हैं या ऐसी लड़ाइयाँ हुई है। तो जब मैं सड़क पे गई तो वैन, एक वैन थी, मेकअप वैन थी, तो वैन के पीछे लोग थे, मीडिया थी या कुछ पता नहीं, वहाँ पे कुछ तोड़फोड़ हो रही थी, पता नहीं क्या हो रहा था। मैंने पूछा, मैंने बोला ये क्या हो रहा है, मैंने बोला ये क्या हो रहा है मास्टर जी? तो बोलता है राखी ये गाना तनुश्री दत्ता का था, तनुश्री दत्ता इस गाने में थी, हम लोग ने थोड़ा शूट भी किया, शायद शूट भी किया था, उसने कुछ कॉस्ट्यूम पहना था और नथनी वगैरह पहन के, और बोला कि 4-5 घंटे से हम लोग वैन में पूछ रहे हैं, उसे बुला रहे हैं, 2-3 शॉट उसने शायद दिए, वो दरवाज़ा ही नहीं खोल रही है। मैंने कहा क्यों? और उनके मेकअप आर्टिस्ट, उनके हेयरड्रेसर को भी मैं जानती हूँ और मैं फ़ोन भी कर रही हूँ उनको, मतलब जब पता चला तो मैं तनुश्री को मैं जानती हूँ ना, तो मैंने फोन बोले शायद चलो मैं फोन करूँ तो शायद उठा ले, क्योंकि ये डायरेक्टर गए तो दरवाजा नहीं खोला, प्रोड्यूसर गया तो दरवाजा नहीं खोला तनुश्री दत्ता ने, कोरियोग्राफर गया तो दरवाजा नहीं खोला। उस टाइम पे डेजी शाह मास्टर जी की असिस्टेंट थी और उसी ने मेरे को पूरा डांस सिखाया। डेजी शाह गई कितनी बार, 10 बार, तो भी तनुश्री ने दरवाजा नहीं खोला। फिर मैंने उनके मेकअप और हेयर वालों को बोला कि क्या हो रहा है, तब मुझे उन्होंने बताया कि मैडम तो 3-4 घंटों से बेहोश है अंदर। मैंने बोला क्यों?
शायद ये जो बहुत बड़ी बड़ी बातें कर रही है अमेरिका रिटर्न, आज मैं पूरा मीडिया के सामने रिवील करूंगी और मैं किसी के बाप से नहीं डरती, ईश्वर के अलावा किसी के बाप से नहीं डरती, न मीडिया से डरती हूं न किसी से डरती हूं। वो डोप लेके, ड्रग्स लेके, डोप लेके अंदर 4 घंटे बेहोश थी, समझ रहे हो डोप क्या होता है। मेरे को तो उस टाइम 10 साल पहले तो मुझे मालूम ही था क्या डोप लेके क्यों बेहोश है, क्या है, कोई आर्टिस्ट ऐसा क्यों करेगा कि डोप लेके बेहोश है अंदर और दरवाजा नहीं खोल रही है, ऐसा क्या हो गया, एक्सक्यूज में आप उस तरफ जाइए, क्या हो गया है। और मैंने भी दरवाजा ठोका, मैं बोली क्या हो रहा पता नहीं। फिर मैंने, मुझे जिंदगी में एक आर्टिस्ट के साथ पहली बार ऐसा हुआ कि मुझे एक आध उसके कपड़े पहने, ऑन द स्पॉट कैसे भी कपड़े को मैनेज करके वो ले आया सेट पे, और मुझे सिर्फ गणेश आचार्य जी ने, नाना पाटेकर जी ने इतना ही बोला, राखी ये कॉन्ट्रोवर्सी ये सब लफड़े मत देख, अभी फिलहाल तुझे सिर्फ ये गाना करना है। गाना मैंने सुना, सच बोलू मुझे गाना बिल्कुल नहीं पसंद आया, मैं सच बोलती हूँ मुझे नहीं गाना अच्छा लगा। मुझे बोला या इतना बड़ा सेट लगाया या तो ये आदमी फांसी ले लेगा, तेरे को उसकी जान बचानी है प्रोड्यूसर की। प्रोड्यूसर रोने लगा उस टाइम पे, और मुझे समझ में नहीं आया कि मैं करूं क्या, क्योंकि मैं भी सिंटा में हूं, यू नो मेरा भी कार्ड बना है, और एसोसिएशन का तो ऐसा था कि अगर ऑन सेट कोई काम कर रहा है तो आप उसका काम नहीं ले सकते हैं, यू नो ऐसा था। अब मैं एसोसिएशन वालों के बारे में सोचूं, तनुश्री के बारे में सोचूं, या एक प्रोड्यूसर आत्महत्या करने जा रहा है, इतना बड़ा सेट लगा के नुकसान हो रहा है, मर रहा है, मैं वो सोचूं, मैं क्या सोचूं। फिर मैंने बोला मास्टर जी ठीक है, अगर आप कह रहे हो मास्टर जी तो नाना पाटेकर जी बिल्कुल। मैं उस टाइम तो मुझे होशो हवास नहीं था, एक डोप लेके बेहोश पड़ी है, एक सेट पे ये सब बवाल हो रहा है, सेट लगा हुआ है, नाना पाटेकर जी टेंशन में बैठे हैं, मास्टर जी बोल रहे यार, मैं मास्टर जी उस टाइम चिकनी चमेली और कितने बड़े बड़े गाने उन्होंने किए, यू नो बड़े उनका कितना लग जा, और डांसर कितने थे, कम से कम 100 से ज्यादा डांसर थे। तो आप सोचो इतना बड़ा सेट लगाया हुआ, 100 से ज्यादा डांसर, एक प्रोड्यूसर का पैसा लगता है तो उसकी जान पे कितना आता है ना। तो मैंने उस टाइम उसको रिप्लेस किया, गाना किया। हाँ, उसके बाद उसने मेरे पे सू किया, तनुश्री दत्ता ने मेरे को लेटर भेजा, वो मेरा कुछ उखड़ नहीं पाई कुछ। मैंने जाके बता दिया, प्रोड्यूसर ने लेटर दे दिया कि राखी ने तो हम लोग को बचाया है सेंटा में, यू नो लेटर दे दिया, और बस इस तरह से मैंने उसको रिप्लेस किया। ये तनुश्री दत्ता एड़ी है, पागल है, एक नंबर की झूठी है। लोग मुझ पे दाग लगाते हैं ना, कंट्रोवर्सी, ये क्या कर रही है, तुम्हें क्या लगता है, तुम्हारे इंग्लिश के ये मीडिया वालों के मुंह पे इंग्लिश के वर्ड मारने से इंसान सच हो जाता है क्या, जो हिंदी बोलता है वो झूठा है क्या, बताओ। मतलब जो हिंदी जो इंग्लिश नहीं बोलता उसके कोई औकात नहीं क्या इस देश में, बोलो। जो आके अमेरिका रिटर्न पागल एडी कहीं की, ये इसका मन आया डोप लेके सो गई, ड्रग्स लेके सो गई, इसका मन आया 2-4 सेट पे गाली दे दिया, इसका मन आया टकली होकर संन्यास लेने चली गई, इसका मन आया न्यूज में मीडिया वालों में आके इंग्लिश में बात कर करके हमारे सीनियर नेता लेजेंड सपोर्ट कर रही है, क्यों सपोर्ट कर रही है। मैं गवाह हूं और मैं ईश्वर को साक्षी मान के कहती हूं कि मैं एक एक शब्द जो बोल रही हूं बिल्कुल सच है। क्यों? क्योंकि मैंने अपनी आंखों से वहां पे देखा था। मैं आज भी कहती हूं वो गाना मुझे पसंद ही नहीं है, लेकिन मुझे जबरदस्ती करना पड़ा। क्यों? मास्टर जी की इज्जत रखने के लिए, नाना पाटेकर जी की इज्जत रखने के लिए, प्रोड्यूसर की जान बचाने के लिए मैंने गाना किया वो, और वो एक नंबर की झूठी है। मैं आपको बता दूं, लास्ट ईयर मैं अमेरिका में थी, ये लड़की तनुश्री दत्ता अमेरिका में क्या कर रही, तुम्हें लगता अमेरिका में जॉब कर रही हूं? अरे उधर से झूठे मार के तुझे निकाला है तनुश्री दत्ता, बिंदु के घर में तू रुकी थी वहां, क्यों पटा कर रहे हो भाई बिंदु, वहां पे अमेरिका में बिंदु के घर में आप रुकी थी वहां, और वहां पे ड्रग्स लेके बेहोश होती थी, वहां पे उसकी बेटी को भी सिखा दिया, और तुम वहां पे रुकी थी न्यूयॉर्क में, बिंदु रहती है, मेरी फ्रेंड ने उसको 1 महीना रखा और वो वहां पे रोज ड्रग्स ले रही है, उसको घर से बाहर निकाला। ये अमेरिका में भरत गोराड़िया नाम का उसका मैनेजर है वहां पे। जब मैं वहां पे 1.5 महीना रही
तो मैंने देखा कि भरत गोराड़िया सबसे भीख मांग रहा है कि तनुश्री दत्ता को आप काम दो काम दो काम दो, प्रेजेंट दो, ये दो वो दो, वहां रखो, इसके घर में रखो, कभी उसके घर में रुक रही है, किधर कोई जॉब नहीं कर रही है, वहां भटक रही है पागलों की तरह। 10 साल कोमा में थी क्या तू? 10 साल कहां थी तू? कहां थी? झूठ बोल रही है तनुश्री दत्ता, झूठ बोल रही है कि तुझे नाना पाटेकर ने छुआ, अभी तेरे में हीरे लगे हैं क्या? झूठी कहीं की? नाना पाटेकर जी जो है लेजेंड है हमारे महाराष्ट्र के फिल्मों के और हिंदी बॉलीवुड के, तेरी औकात भी नहीं कि तेरे मुंह से तू उसका नाम भी ले? रिस्पेक्ट कर, हम मराठा है, हम सबकी इज्जत करते हैं। तू कल की आई हुई और गालियां दे रही है, तुझे क्या लगा कि तू 10 साल के बाद आएगी, मीडिया का सपोर्ट लूंगी, कॉन्ट्रोवर्सी क्वीन बनूंगी, फिर से फिल्मों में आ जाऊंगी? फिल्मों में तेरा मोस्ट वेलकम है, फिल्म इंडस्ट्री सबकी है, पर तू मीडिया का गलत नाजायज फायदा मत उठा। और मीडिया वालों को भी काम क्या है? क्या काम है? हाँ, कोई भी बड़ी हीरोइन आके बोलेगी कि मेरे साथ मोलेस्ट्रॉल हुआ, ये हुआ 10 साल के बाद है। 10 साल 12 साल पहले मेरे साथ भी मिक्का ने किया था, तो आज 10 साल के बाद वापस मैं आऊं बोलूं कि मेरे साथ ऐसा हुआ? ठीक है, मैं मानती हूं हमारा लॉ है कि कुछ सालों के बाद आप वापस केस ओपन कर सकते, उसका नाजायज फायदा नहीं उठा सकते। इतना भी मतलब इतना भी बर्दाश्त के बाहर ना हो कि और इंसान है वो। गाना तो मैंने भी किया ना नाना पाटेकर जी के साथ, गाना तो मैंने भी किया ना, मुझे तो हाथ भी नहीं लगाया, उल्टा मैं सर को कह रही थी, सर कोई बात नहीं, हम लोग गाना कर रहे, सर तुम्हें मुझे मराठी तुम्हें संगीत लो, सर तुम्हें मला मुझे कंफर्टेबल काही नहीं। वो तो देखिए नाना पाटेकर जी की जो वो जो एंग्री की भूमिका है ना, वो फिल्मों में है, समझ गए? फिल्मों में है। पर्सनली नाना पाटेकर जी बहुत सॉफ्ट इंसान है, सबकी इज्जत करते हैं, रिस्पेक्ट करते हैं। छूटा तुमको, तुम 10 साल गायब थी, 10 साल में तुम्हारा वेट बढ़ गया, 10 साल में तुम्हारा काम छिन गया, तुम भिखारन हो गई, तुम्हारे पास पैसा खत्म हो गया, तो तुमको किसी ने चढ़ाया अमेरिका में या किधर, तो तुम मुंबई में आके मीडिया का सहारा लेके तुम कॉन्ट्रोवर्सी कर रही हो, तो कॉन्ट्रोवर्सी इतना करना जाओ बिग बॉस हाउस में ना। आप उसका ब्लड अभी भी चेक करा? मैं कहती हूँ आप ब्लड चेक कराओ, और मैं ये कहती हूँ कि उसके पास कोई भी सबूत है तो राखी सावंत हिंदुस्तान छोड़ के जाने को तैयार है, एक सबूत लाके दिखाए वो। नाना पाटेकर देखिए डांस इंसान करता है, एक सेलिब्रिटी है, दोनों डांस करता, तो क्या तनुश्री पाकिस्तान में खड़ी हो और नाना पाटेकर इंडिया में खड़े होकर डांस करेंगे क्या? आइटम सॉन्ग है तो आप साथ में खड़े होकर डांस नहीं करोगे? थोड़ा बहुत छूना होना नहीं होगा? मेरे को छू लिया, तेरे में कोई नूर हीरे लगे हैं? नाना पाटेकर जी ने कितनी बड़ी बड़ी हीरोइनों के साथ काम किया है। मास्टर जी, मुझे सबसे ज्यादा बुरा ये लगा कि उसने मास्टर जी को भी गालियां दी, उन्होंने प्रोड्यूसर को भी गालियां दी, अभी तो ट्विंकल खन्ना को भी गालियां दे रही है। हालांकि ट्विंकल खन्ना ने उसको ट्वीट किया ना, कुछ उसको सपोर्ट किया, तो ट्विंकल बोलता मुझे किसी की सिंपैथी नहीं चाहिए, बोलो कि वो अक्षय कुमार को बोलो कि किसी के साथ तेरे बाप का है क्या फिल्म इंडस्ट्री? नाना पाटेकर जी ने अपनी मेहनत से अपना नाम बनाया है, तू कौन होती है एक झटके में उनके बारे में बुरा बोलने वाली? प्लस राज ठाकरे जी को गाली दिया, क्या 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 बोला, क्या इनकी औकात है, ये है वो है, इतना गंदा। मुझे कहती है कि मुझे रिप्लेस किया तो किसने किया? राखी सावंत ने, जिसका कोई क्लास ही नहीं है। तेरी माँ की आंख हराम खोर, हाँ मेरी कोई औकात नहीं, हाँ मैं लोअर क्लास हूं, तू क्या है चरसुल्ली गर्दुल्ली, तू क्या है? हाँ तुझे दो क्लास तेरे बाप ने, तेरे माँ बाप ने तुझे इंग्लिश सिखा दिया तो हमको